So, चंद्रिका, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपकी जर्नी आपके लिए सेटिस्फैक्टरी थी या नहीं थी? सबसे पहले जय श्री महाकाल। बात अगर मंजिल की ना की जाए, सफर की जाए, तो मैंने अपना बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, जो मैं हूँ, मैंने वो लोगों के सामने आया है। तो हाँ, जब लोगों ने मेरे लिए अपनी राय बदली, वहाँ अंदर जो लोग थे उन्होंने मेरे लिए अपनी राय बदली, तो मैं वीन माही हो गई थी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, मुझे ट्रॉफी से प्यार नहीं था, बट ये था कि हाँ, जितना चल रहा है अच्छा चल रहा है। आपके हस्बैंड ने मेकर्स को ब्लेम किया है कि अनफेयर डिसीजन है ये, हाँ, तो आपको लगता है इससे पहले जितने इविक्शन हुए हैं, आपको नहीं लगता है कि वो भी काबिल थे नीरज भैया टॉप वन ना? पे, पोलो, यस, तो सबसे पहले उनको एलिमिनेट किया। पायल चौथी में, जो खेलने वाले थे, जो प्रेजेंट अच्छे से करने वाले थे सबको, मतलब जो एक स्ट्रांग बंदे थे। नीरज भैया के लिए तो मैं सीरियसली शॉक्ड हूँ, वो मैं उनको देखती थी तो मुझे लगता था कि भाई टॉप वन में या टॉप टू में तो जाना ही जाना है। वो पहले ही निकल गए थे, तो उसके बाद से मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि अपना भी नंबर कभी भी लग सकता चंद्रिका, आपने गेम खेली, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि मलिक फैमिली के अराउंड ही आपका गेम घूमता रहा, एंड आप इविक्ट होकर बाहर है। नहीं, निकल गई और कुछ मैं कहा? गेम खेलने पे एक पॉइंट कहना चाहूंगी, मैंने गेम खेली नहीं, मैं जो थी मैं वहां थी। मुझे एक घर मिला था, घर के अंदर 16 लोगों से मुझे डील करना था, 16 डिफरेंट माइंड के साथ मुझे डील करना था। रही बात मलिक फैमिली की, मैं जितना टाइम जिसको दे सकती थी, मैंने हर एक इंसान को जानने के लिए टाइम दिया। अरमान भैया, कृतिका, पायल, शिवानी, लव, विशाल, हर एक इंसान को टाइम दिया। रणवीर भैया, इवन दीपक भैया, मुझे जितना जिसके साथ टाइम स्पेंड करना था मैं बैठी हूँ, जिसको जितना जानना था मैंने जाना। चंद्रिका, कहीं ना कहीं आपने विशाल को बहुत ज्यादा डोमिनेट किया शो में। वो हमें सामने एज अ ऑडियंस देखने को भी मिला, बहुत ज्यादा आपने चुंगम की तरह उसे खींचा, जो कि कहीं ना कहीं वो गलत ही हमें दिखा। और जहां तक अरमान मलिक की बात करें, उन्होंने थप्पड़ के बाद उनका रिएक्शन आना बंद कर दिया, बट आप बार बार फोन कर रही थी विशाल को। अगर विशाल के बाहर की अगर मुंबई के ऑडियंस देखी जाए, तो विशाल को कहीं ना कहीं सब जानते हैं, एज अ मीडिया फ्रेंड हम भी जानते हैं। आई थिंक वीडियो सभी के सामने बाहर आया था, ठीक है। हम 16 लोग जो एक घर के अंदर होते, हमें नहीं पता बाहर क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा। हर वक्त हम किसी इंसान के साथ नहीं बैठे होते कि किसके साथ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मेरे विशाल पे कैरेक्टर पे कोई उंगली उठाई नहीं। जब विशाल का एक वीडियो पायल ने कहा कि भैया इसने इसके लिए ये शब्द बोले, और लव जो 24 घंटे उसके साथ रहता है, उसने उसको प्रूव किया कि हाँ भाई इसने बोला, तब मेरा रिएक्शन बाहर आया। सेकेंड, जब कृतिका ने अपने छोटे कपड़े जितने थे वो वापस कर दिए कि भाई मैं नहीं पहन सकती, तब मुझे लगा कि यार क्यों किसी के लिए अपना आपको चेंज किया इस लड़की ने, वो खुल के जी भी नहीं पा रही, कपड़े भी नहीं पहन रही। हाँ, ये गलत लगा। तीसरी बात, जब ये हमारा जब उनके मम्मी पापा आए और वो रोए, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार गलत हुआ है। ऐसा मतलब ऐसा फील हुआ कि यार शायद कुछ गलत डिसीजन तो नहीं था मेरे, इसके बारे में राय तो गलत नहीं थी, क्योंकि एक मैं भी मैरिड वुमन हूँ, कोई मुझ पे भी ऐसे उठाएगा, क्वेश्चन उठाएगा, तो मेरे पति को बुरा लगेगा। तो मुझे उस वक्त बुरा लगा, मैंने विशाल का साइड लेना बंद कर दिया, बट जब उसके मम्मी पापा ने बोला, सारी चीजें हुई, हाँ मुझे हर्ट हुआ, मैंने उससे हाथ जोड़ के माफी भी मांगी। मैं किसी से वहां घमासान दुश्मनी मोल लेने नहीं जा रही थी, मैं किसी को कैरेक्टर को कभी जज नहीं करती। मैं वो लड़की हूँ कि लोगों ने अभी तक मुझे जज करा है, तो मैं कभी किसी को जज नहीं करती। बट उस घर में जो हमको हाँ या ना में आंसर पूछा जाता, यस या नो, बीच का कोई सीन ही नहीं था, तो हाँ तो हाँ, ना तो ना। बट जब मैं बाहर निकली हूँ और विशाल के कुछ वीडियोज मुझे दिखे हैं, और आई थिंक आप लोगों को भी दिखे होंगे, सबने अपनी अपनी राय दी थी, और मैं अपनी राय देती हूँ, विशाल ने गलत किया। वेल, आप बोल रहे हो कि विशाल ने गलत किया, अग्री टू यू, बट द थिंग इज कि आपने शिवानी को जाकर कहा था, आपने शिवानी को बोलने की भी कोशिश की, आप उसके साथ सेफ कैसे फील कर सकती हो? आप उसके साथ, सेफ फील वर्ड नहीं यूज किया आपने मैंने, सेफ भी बोला, सेफ नहीं। बोला था। मुझे एक ही सवाल है, बाहर आकर आपको अरमान मलिक के बारे में भी बहुत सारी चीजें पता चली नहीं होगी, चली, आपको मैंने अभी कितना तक, लगता मुझे है कि अरमान मलिक सेफ है वहां पर लड़कियों के लिए? एक सेकेंड, मैं आपसे बात कंप्लीट कर देना चाहती हूँ, आपका क्वेश्चन। मैंने कभी शिवानी को विशाल के साथ उठना बैठना के लिए मना नहीं करा, मैंने अपनी एक राय रखी, क्योंकि जब वो सीन हुआ था उसके 2 दिन के बाद मैं उस जगह से हट चुकी थी। शिवानी बहुत अच्छे से, शिवानी हमसे कहा था, दीदी आप हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? तो मैंने 2 दिन के बाद शिवानी को ये जवाब दिया, शिवानी सिर्फ आपसे एक चीज पूछेंगे कि आप एक गांव की लड़की हो, आप एक मतलब
बहुत बड़ा मैटर था, हर चीज थी, एक किसी का सामने आया था, तो हमने बस उससे इतनी बात पूछी थी कि शिवानी आप वहां बैठ के कैसे हंस सकती हो, आप उस इंसान को गलत क्यों नहीं बोल रही हो, मुझे बस एक चीज बताओ। मैंने उसको बैठने के लिए मना नहीं करा। सेकंड अरमान जी की बात आती है, मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखे, मैंने मोबाइल भी हाथ में नहीं लिया है। जब उनकी सारी मैं धीरे देखूंगी जो चीज हुई है, अगर वो गलत होंगे तो मैं उन्हें गलत जरूर बोलूंगी। रणवीर को, रणवीर सर की बात करें तो उन्हें भी आपने बोला था कि विशाल और रणवीर जिस तरीके से लड़कियों को देखते हैं छोटे कपड़े पहने हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हमने सॉरी मैंने रणवीर का नाम यूज आज तक नहीं किया। साई केतन के बारे में भी जब उन्होंने आपको मसाज ऑफर की थी, आपने ये बारे में भी कुछ अलग इमेज बनाई थी अपने दिमाग में। एक क्वेश्चन करेंगे आप मुझसे, दोनों के मिक्स हो गए क्वेश्चन। शायद क्वेश्चन यही है कि आपने अभी कहा कि मैं किसी के बारे में कुछ जजमेंट नहीं देती। राइट राइट, जब मसाज वाली बात आई थी शायद मेरा कंधे पे एक नस चढ़ी थी, एक टास्क मिला था गुड्डी वाला, उसमें मैं फिसल गई थी, गिर गई थी, तो मेरे कंधे पे नस आई थी और शायद सना सुल्तान ने उस वक्त मेरे हाथ की मसाज करी थी। सारी चीजें मैं बाहर घूम रही थी क्योंकि मैं दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, मैं किसी को बता नहीं पा रही थी। तब साई ने मुझे कहा चंद्रिका मैं तुम्हारे कंधे की मसाज कर देता हूँ। उसको मैंने हमेशा एक भाई की नजर से देखा है, ज्यादा बात मैं करती भी उससे नहीं दिखी हुई, क्योंकि हाँ जरूरी नहीं है कि साथ बैठोगे तो ही इज्जत है, दूर से भी इज्जत थी, सलाम था, हर चीज थी। बट मेरे को पता था कि मेरा इंसान बाहर बैठा है, मेरे ऑलरेडी लोग मुझे हर चीज के लिए जज कर देते हैं। शायद वो उस दिन मेरे कंधे की मालिश करता तो लोग मेरे पति को कहते देख भाई तेरी पत्नी गुल खिला रही है अंदर, देख वो एक, क्योंकि मैं उन चीजों से निकली थी, हर एक वर्ड के लिए मुझे जज किया जाता था, तो मुझे पता था कि मुझे बाहर कैसे जज किया जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि भाई मेरा बाहर आदमी बैठा है, शायद उसको वो चीज गलत लग जाएगी, लोग गलत समझ लेंगे, क्योंकि अभी भी सेम विशाल के साथ वही हुआ है, बोला कुछ बाहर कुछ आया, सेम मेरा भी यही था कि मैं करूंगी कुछ जाएगा कुछ और। थैंक यू सो मच। थैंक यू।